लाइफ में देखो एडवाइस लेना अच्छा है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो लो, पर कोई कोई सिचुएशन ऐसी रहती है ना कि उसमें कभी भी किसी की भी एडवाइस मत लो। अगर तुमने कुछ करने का या बनने का कुछ सपना डिसाइड किया, ओके, अभी उसके ऊपर तुम पूछ रहे हो कि मैं ये मेरा सपना है, मैं करूँ या ना करूँ, मतलब एक परमिशन ही ले रहे हो ना, तुमने डिसाइड कर लिया तो क्यों जख माराने पूछ रहे हो, तुम किससे पूछ रहे हो, कर लो ना, तुमने डिसाइड किया करो, तो ऐसी जगह पे क्यों एडवाइस मांग रहे हो, मत मांगो। तुम इंसान हो, खाते हो ना, सांस लेते हो ना, वो भी कर रहा है, तू भी कर रहा है, तो वो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है? अगर उससे हो रहा है तो तेरे से भी होगा ना, तो तू उसमें क्यों पूछने जा रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं? यहाँ पे मेरी बात एकदम सिंपल है कि सपना देखा है, करना है ना तो कर लो, वहाँ पे किसी से भी पूछने मत जा। देख चार लोग की परमिशन लेके अगर तेरे को जीना है ना, तो वहाँ पे तू ऐसे ही जीता रहे, ये सब तेरे से नहीं होगा। और अगर तूने ये सोचा है कि तुझे ये करना है ना, तो करता जा, बाद में जो भी बीच में है ना उसको हटा साइड में, फिर वो तेरा दोस्त हो या कुछ भी नेगेटिव इंसान या कोई भी हो, जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, जो तेरे गोल के बीच में आ रहा है ना, जो मतलब तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको तेरे को हटाना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। तुमको फटी पुरानी जिंदगी मिली है ना, तो उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? उसको एक्सेप्ट ही मत करो, उसको बदल डालो, उसको चेंज करो, तभी कुछ होगा, तभी मजा आएगा। वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुमको करना है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। बाद में वहां पे तुम ऐसे नए नए क्वेश्चन पूछोगे, भाई मुझे वजन कम करना है, क्या करूं? ठीक है, तेरे को पता तो है कि वजन कम करना है तो दौड़ना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वो तुझे भी पता है, तो क्यों नया बन रहा है यहाँ पे, क्यों नया ऐसे सवाल कर रहा है? हाँ पता तो है, हर आंसर तुझे पता है, पर वो तुझे करना नहीं है, इसलिए तू ऐसा है ना, हर वेबसाइट पे हर एक आदमी को पूछता फिरेगा कि नहीं नहीं मुझे करना है कुछ नया उपाय, दे, कोई शॉर्टकट नहीं है 5-10 मिनट वाला, वो तुझे करना ही पड़ेगा। देख यहाँ पे क्या होता है पता है, वहाँ पे एक्शन लेनी पड़ती है, पर वो चॉइस हम कर नहीं पाते। हाँ, एक घंटे के लिए फ्री है या पूरे दिन के लिए फ्री है ना, टीवी देखो, फेसबुक देखो, ये करो, तेरी जिंदगी से ज्यादा तुझे दूसरों की जिंदगी में पड़ी है, तो उसके अंदर फिर तुझे वही मिलेगा ना हाथ में घंटा, बाद में कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर तुझे तेरी जिंदगी की रियल में पड़ी है, तेरे सपने की पड़ी है ना, तो तू वहां पे ऐसा टाइम पास ज्यादा नहीं करता। तू यहाँ पे बैठा है, सोच रहा है कि नहीं मुझे ये करना है, मैं कल ये कर पाऊंगा, परसों, फिर कल कल कल, तेरी कोई कल आने वाली नहीं है, और वहां पे तेरे को कोई पीछे से उठाएगा भी नहीं कि बेटा कर ले, बेटा कर ले, हाँ तेरे को खुद ही करना है, कोई नहीं आएगा। बाद में बोलता रहेगा मैं गरीब हो गया, ये सरकार की वजह से है, ये सरकार ने पूरा लूट लिया, ये अबे साले, वो तू ब्लेम कर रहा है, तू खुद तेरी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया ना, इसलिए सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि उसकी वजह से ये तेरी हालत है। हाँ, तेरी हालत तेरी वजह से है, तू तेरी औकात नहीं है कि कुछ तू बड़ा बन पाए, क्योंकि तू ही किसी और की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ना, अपनी लाइफ के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया, मतलब तेरी लाइफ के अंदर कोई सरकार घुसी नहीं पड़ी कि उसने अच्छा डिसीजन लिया, तेरी लाइफ सुधर जाएगी, वो तुझे खुद सुधारनी है। तो नए नए तरीके ढूंढना है ना बंद कर प्लीज, सही में अगर तुझे अपने आप को चेंज करना है ना, तो अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज कर, हाँ फिर बाद में लाइफ पूरी चेंज होगी। ऐसे ही कोई एक वीडियो देख लेने से या एक चमन का है ना तूने भाषण सुन लिया तेरी लाइफ बदल गई, ऐसी नहीं बदलेगी, छोटी छोटी चीज तू चेंज करता रहे, उसके बाद में उसका तेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो अब से जो करना है ना वो अपने अच्छे के लिए हो ना, वही करना है, वही एक्शन लेनी है, और उसको ही चॉइस करना है।